हेलो हेलो एंड वेलकम टू देवीना डिकोड्स। ये लियाना का रूम है और इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने नर्सरी दिखाया था इवन बिफोर लियाना वाज बोर्न। उसके बाद लियाना आ जाने के बाद ना इस रूम में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली छोटी थी बहुत ही, तो मेजरली वो रूम में ही रहती थी और रूम से मैं ज़्यादा निकालती नहीं थी, आई मीन स्पेशली ड्यूरिंग द होल डे, बिकॉज यहाँ पे रहने से वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर बाहर भी रहूँ ना मैं सिक्योर फील करती हूँ क्योंकि उसके लिए मैंने कैमरा लगा के रखा है रूम में। अगर मैं बाहर भी रहती हूँ तो मैं इस कैमरा के सहारे उसके साथ बात करती हूँ और इस रूम में जो भी रहते हैं मैं उनके साथ बात करती हूँ और वो एक्चुअली अभी भी ढूंढने की कोशिश करती है कि कहाँ से मैं बोल रही हूँ, कहाँ से मैं बोल रही हूँ। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कैमरा और एनीथिंग। इस वीडियो में एक्चुअली मैं बात करूँगी नॉट एग्जैक्टली अबाउट लियाना, क्योंकि लियाना को तो आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में थोड़ा बहुत देखते ही हो, बट दो चीज़ जिसके लिए बहुत मुझे रिक्वेस्ट आते हैं तो मैं उसके बारे में आज बात करूँगी। द फर्स्ट थिंग इज़ वॉट इज़ लियाना ईटिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ उसके जो कपड़ों का कलेक्शन है वो मैं कहाँ से ला रही हूँ एंड कहाँ से खरीदती हूँ वो। तो शुरू करें। तो शुरू करती हूँ खाने से। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपकी बेटी तो बस 4 महीने की है तो उसको मतलब अकॉर्डिंग टू WHO खाना देना चाहिए कि नहीं एंड ऑल। तो 4 महीने की उम्र से मैं उसको कोई सॉलिड फूड नहीं दे रही थी, शी वॉज एक्सक्लूसिवली ऑन टॉप फीड। 4 महीना फिनिश हो जाने के बाद जब 5वें महीने में पड़ी वो, विच इज़ लास्ट मंथ ऑगस्ट, तब मैंने हल्का हल्का सॉलिड इंट्रोड्यूस किया। सॉलिड वो भी यू नो जस्ट प्रैक्टिस फूड, खिलाते नहीं थे उस तरीके से, जस्ट प्रैक्टिस फूड। मतलब एवोकाडो को एकदम मैश करके मैंने थोड़ा सा खिला दिया और कभी मतलब बनाना को एकदम कम्प्लीटली मैश करके खिला दिया और मुखे भात कर दिया था उस टाइम पे ऑन हर 5th मंथ, ताकि उसके बाद जब भी डॉक्टर अलाउ करेंगे हम लोग सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि यू नो मुखे भात के लिए डेट्स होते हैं, नक्षत्र होते, तिथि होता है, तो उसका नक्षत्र तिथि बाद में मिले या ना मिले, तो इसीलिए हम लोगों ने अगस्त में उसका मुखे भात करवा दिया एंड नाउ शी इज़ रनिंग ऑन हर 6th मंथ। तो अभी मैंने उसके लिए सॉलिड कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस किया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। तो ये है एक दिस इज़ अ फूड प्रोसेसर, ये मैंने लियाना के लिए लेके रखा हुआ है। तो इसमें ना खाना स्टीम भी होता है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि यू नो बॉयल करके खाना मत खिलाइए, उसको स्टीम करके खिलाइए। तो ये देखिए स्टीम लिखा हुआ है, तो इसमें खाना स्टीम होता है। इसमें ये ब्लेंडर, नीचे ब्लेंचर भी दिख सकता है आपको, तो इसमें खाना ब्लेंड भी होता है, पल्स एंड ऑटो। तो इसमें एक्चुअली उसका खाना कम्प्लीटली बन जाता है। तो आज का खाना बन गया, आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतना खा नहीं सकती, यहाँ उसने खाना खा के रखा है। इनिशियली थोड़ा बहुत हम भी कंफ्यूज थे कि कैसे खिलाए क्या नहीं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर सजेशंस। अब ये वो सिल्वर का एक कटोरी है उसका और सिल्वर का ही एक स्पून है, इसी में वो खाना खाती है। तो आज का उसका खाना था दाल, चावल एंड आलू, सब तीनों को बहुत ही थोड़ा सा लेके इसमें स्टीम किया हुआ प्रॉपर, उसके बाद नीचे उसको अच्छे से ब्लेंच करके उसको खिलाया। पहले मैं ये भी बता दूँ, दिस इज़ हर कप। एक हम लोग रोज़ सुबह कॉफ़ी पीते हैं, तो उस कॉफ़ी को देख के, कप देख के ना वो करके कप के तरफ आने की कोशिश करती है, तो इसीलिए हम लोग कल उसके लिए एक छोटू सा सिल्वर का कप लेकर आए और अभी इस कप से वो थोड़ा थोड़ा पानी पीती है, वो भी खाना खाने के बाद। डॉक्टर ने बोला है कि खाना खाने के बाद 2 सिप पानी दे दीजिएगा, ताकि जस्ट मुंह साफ करने के लिए, पानी पिलाने के लिए नहीं। तो जो फर्स्ट फूड स्टार्ट हुआ है वो भी डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो अगर चाहिए तो मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगी व्हाट ऑल आई हैव स्टार्टेड एज हर सॉलिड। और इसके बीच में मिल्क भी है, मिल्क मैंने 100% बंद नहीं किया है, एक्चुअली डॉक्टर ने ही बोला है कि मिल्क 100% बंद नहीं होगा। तो सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट है, उसमें कभी बनाना है, कभी बॉइल्ड एप्पल है, कभी यू नो एनी अदर सीजनल फ्रूट, फिर एग योक है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में मैंने डाला कि टुडेज़ ब्रेकफास्ट यू नो एग योक, मतलब अंडे का पीला,
और बॉयल एप्पल ऐसा कुछ, तो इसी के बीच में मैं मिक्स मैच करके खिलाती हूँ। इडली, डोसा, शीरा, उपमा, बॉयल्ड पोटैटो, सेरेलैक या नेस्टम भी दे सकते हैं, दैट इज़ इन केस इफ़ वी आर ट्रैवलिंग। लेकिन जब तक घर पे हूँ, जब तक यू नो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग फ्रेश फूड, सो हम लोग फ्रेश फूड ही देते हैं, सेरेलैक वगैरह नहीं देते हैं। राइस, दाल, खिचड़ी, वेज क्लियर सूप और डिनर में सेम मेन्यू एज लंच। और एक चीज़ है जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो भी मैं बता दूँ, वो है सॉल्ट, शुगर, चिली, स्पाइसेस, एनी काइंड ऑफ स्पाइसेस, मतलब कोई मसाला अलाउड नहीं है, और जूस, जूस भी अलाउड नहीं है। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि सॉलिड फूड आप खिलाइए, मतलब फ्रूट्स आप खिलाइए, लेकिन फ्रूट जूस इज अ बिग नो। जब भी मैं इंस्टाग्राम में डाल रही हूँ लियाना ये खा रही है वो खा रही है, लॉट्स ऑफ पीपल आर राइटिंग बेबी को खाते हुए मत दिखाइए वीडियो, नज़र लग जाती है, और लियाना को काला टीका लगा दीजिए, नज़र लग जाती है। तो मैंने ऐसा सोचा, एक्चुअली मुझे भी डर लगता है और मैं भी माँ हूँ, मुझे भी कंसर्न होता है, उसके लिए मैं छोटी सी चीज़ करती हूँ। बताऊँ, जितना आप लोग मुझे बोलते हैं यू नो नज़र लग जाएगा ये वो, उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस ही है जड़ ऑफ ऑल डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एक स्ट्रेस शुरू होगा तो उससे फिर यू नो पैदा होने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, प्रॉब्लम्स। और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए हमें ना ज़रूरी है मन को शांत करना और अनवाइंड करना, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और एक वेरी इजी वे ऑफ रिलैक्सेशन इज़ बाय डिफ्यूजिंग कैम्फर। अभी इस काम के लिए मेरे पास है दो किस्म के कैम्फर, एक है भीमसेनी कैम्फर और एक है कैम्फर क्रिस्टल्स। दोनों की अलग अलग खुशबू है। इस तरीके से आप मंगलम का 100% प्योर भीमसेनी कैम्फर को डिफ्यूज़र में आप लगा दीजिए और बस इट इज़ टाइम टू रिलैक्स। आप देखेंगे मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ से ये कैम्फर का अरोमा निकलने लग जाएगा एंड द माइंड बिकम सो काम एंड रिलैक्स्ड। और नेगेटिविटी मतलब घर से बाहर। प्लस इससे और एक जो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मेरे घर में तो छोटा सा डॉगी भी है, तो उसका कभी आज तक किसी को कंप्लेंट नहीं आया कि आपके घर में डॉगी स्मेल है, बिकॉज दिस कैम्फर एक्चुअली ओवरलैप्स ऑल काइंड ऑफ बैड स्मेल, प्लस मच्छर नहीं होता है। सामने तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, तो मंगलम का ये सेलिब्रेशन बॉक्स इज़ लाइक गिफ्टिंग कामनेस टू एनीबडी यू लव। बस उतना ही नहीं, With my code Debina10 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जब आप हाउस ऑफ मंगलम के वेबसाइट से इसे खरीदेंगे। और द बेस्ट पार्ट, जैसे ये पूरा चीज़ डिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे कोई रेसिड्यू भी नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये तो था किस तरीके से मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। अभी चलती हूँ रूम में और दिखाती हूँ लियाना के कुछ कपड़े, जिसके बारे में बहुत रिक्वेस्ट आई कि कहाँ से खरीदती हूँ, सब एक जगह से तो नहीं खरीदती हूँ, तो अलग अलग जगह से मैं कोशिश करूँगी कि याद कर करके मैं आप लोगों को बता दूँ। चल, तो लियाना के जो भी प्रेजेंट के कपड़े हैं वो सब मैं यहीं पर रखती हूँ। और आपको तो पता ही है बच्चे इतने फास्ट बड़े हो जाते हैं कि उनके कपड़े इतने फास्ट छोटे भी हो जाते हैं। मेरे लिए तो थोड़ा सा बोनस है जो सब लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते अपनी ज़िंदगी में, बट मैं क्या करती हूँ, जो भी लियाना के छोटे हो गए कपड़े हैं ना, उसको मैं एक बैग मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में ही मैंने नया ये पैंट वैंट खरीदा था, तो छोटा हो गया तो मैंने इसको साइड में कर दिया और एक दो बैग में भर के आई जस्ट पुट इट अप हियर। जो जो चीज़ें करेंटली यूज़ नहीं होता है और जो कुछ जो गिफ्ट्स आते हैं लियाना के कपड़ों के, लोग देख के ना साइज़ अज्यूम नहीं कर पाते, बहुत बड़े बच्चों के कपड़े दे देते कभी, या कभी छोटा हो जाता है, तो छोटा या बड़ा कपड़ा मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके एक्स्ट्रा बेडिंग्स, उसका टॉयज़, कैरियर, ब्लैंकेट्स, सब कुछ मैंने अलमारी में भर के रख दिया है। तो अभी चलते हैं हम लियाना के जो करंट कपड़े हैं उसकी तरफ। यहाँ से शुरू करती हूँ, ये जो अभी तक आपने देखा नहीं कभी पहनते हुए, पर मैंने देखा है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट यू नो फर कोट, मुंबई के लिए तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने ख़रीदा। और इसको हमने लिया है पैंटलून्स से। पैंटलून्स में काफ़ी टाइम सेल चलता है, फर कोट है,
ये भी हमने पैंटालून से लिया है, ये भी काफ़ी क्यूट है, काफ़ी मतलब सेल में लिया है, सो इट वॉज लाइक रियली रियली कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। बहुत सारे कपड़े लेने के बाद इट वॉज ओनली 1200 टू टेल यू द ट्रूथ। अभी जिसके लिए बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा वो है ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया, इस ड्रेस को पहन के लियाना का मैं एक फ़ोटो दे देती हूँ। तो ये जो ड्रेस है तो इसको और ये जो स्कर्ट है, मतलब ये स्कर्ट, ये स्कर्ट इसके ऊपर रेस्पेक्टिव टॉप्स जो है, ये मैंने लिया है एक ऑनलाइन वेबसाइट कॉल्ड हॉपस्कॉच। तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइलिश बच्चों के कपड़े हैं और मुझे लियाना को हमेशा यू नो स्टाइलिश तरीके से सजा के रखना अच्छा लगता है। और लियाना ने जो गणपति पे भी जो पहनी हुई थी जो फर्स्ट डे, वो भी मैंने हॉपस्कॉच से लिया हुआ था। तो दैट लहंगा चोली जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो, तो वो भी हॉपस्कॉच से लिया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे आप जो वंसीज मोस्टली देख रहे हैं, ये मैंने मदर केयर बोल के एक शॉप है, आई थिंक बहुत सारे मॉल्स में ये शॉप अवेलेबल है कॉल्ड मदर केयर, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैं ये वंसीज लिया और इसको पहन के वो सिर्फ रात को सोती है, बिकॉज यू नो बोलते कि बच्चे रात को ब्लैंकेट वैंकेट उड़ा के सुलाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वंसीज पहन लेती है ताकि कुछ भी हाथ पांव खुला नहीं रहता है, तो मुझे टेंशन नहीं होता है कि उसको ठंडी लग जाएगी या यू नो कपड़ा ढका हुआ है कि नहीं है। सो वंसीज आर द बेस्ट। तो बात करते करते एक्चुअली लियाना को बहुत ज़ोर से भूखी लग गई, तो हम लोग पहले उसके लिए थोड़ा सा दूध बना लेते हैं। हाँ, तो इसमें मैं रखती हूँ हमेशा गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे फॉर्मूला। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा फॉर्मूला देती हूँ लियाना को। मैंने बोला भी है कि मैं लियाना को हिप कंफर्ट देती हूँ जो आता है थोड़ा दूर से मेरे लिए, और वो पी के वो एक्चुअली खुश है, उसको पेट में गैस नहीं होता है, एंड दिस इज़ लाइक द क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क। मतलब बहुत ही पतला है, घना नहीं है, क्योंकि इसमें केसिन नहीं है। मोस्टली जो फॉर्मूला यहाँ पे मार्केट में मिलता है उसमें केसिन ज़्यादा होता है, तो जो बच्चे फॉर्मूला फीड में रहते हैं ना उनके पेट बहुत जल्दी जल्दी भर जाता है। मुझे जल्दी भरवाना नहीं है पेट, भले हम लोग ज़्यादा फिर से रिपीट रिपीट फूड दे दें जैसे टाइम होता है, ऑब्वियसली आफ्टर 3 hours, 4 hours उसके हिसाब से, बट केसिन नहीं है और दिस इज़ लाइक द क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क। आके रिज्यूम करती हूँ जल्दी से, लियाना को दूध पिला के आती हूँ। लियाना खुश तो लियाने की मम्मी भी खुश। अभी वापस शुरू करती हूँ वीडियो। तो यहाँ पे आप कुछ और क्यूट से कम्फर्टेबल वाले स्टाइलिश कपड़े देखेंगे। सो दीज क्लोथ्स आर फ्रॉम H&M। तो मैं H&M से भी काफ़ी शॉपिंग करती हूँ, और ये भी H&M से है, ये भी H&M से है, ये थोड़ा सा हाफ लेकिन यू नो सिंगल वेयर ड्रेस, दीज आर ऑल्सो वन सीज ही बोलते हैं, लेकिन ये भी H&M से है। ये कपड़ा आपने देखा होगा लियाना को, ब्लू कलर का मैंने पहना था बहुत जब बहुत छोटी थी। द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि ये सारे कपड़े स्ट्रेचेबल है, जब वो 1 महीने की थी तभी भी वो पहनती थी और अभी भी वो पहन सकती है, फिट आती है इसमें। तो जो कॉटन के कपड़े हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं और यू नो फसफुस आ जाती है। और एक कपड़े के लिए बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से लिया, बिकॉज दोज आर फेस्टिव क्लोथ्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, वो अलग से रखा हुआ है, जो लियाना अपने मुख्य भात में पहनी हुई थी, ये वाला जो आउटफिट है। तो ये मैंने लिया है मिंत्रा से, जो गणपति पे उसने पहना था सेकेंड डे, ओनम का जो आउटफिट है थोड़ा सा साउथ इंडियन सा, तो वो लिया है हम लोगों ने दादर से, दादर मार्केट है एक, और वहाँ पे मतलब हर साइज़ के बच्चों के कपड़े मिलते हैं। सो इस तरीके से मतलब जहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, जो जो कपड़ों के लिए रिक्वेस्ट आया था मैंने उन सब के बारे में बता दिया मोस्टली, तो इन्हीं जगहों से आपको मिल जाएगा, मिंत्रा, हॉपस्कॉच, मदर केयर एंड H&M, बस
मैं तो इन में से ही लेती हूँ। बाकी आपको मतलब कोई अगर सिल दे या ऐसा कुछ तो मुझे नहीं पता, फ़िलहाल तो वो बहुत छोटी है तो उसको उसके लिए कोई सिल नहीं पाया है। तो आई जस्ट होप कि फ़िलहाल मुझे कपड़ों का जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दे दिया, और कम्प्लीटली लियाना के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया। अब तक तो मैंने ये सब बोला है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छा था, मैंने क्या ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, और कौन कौन सी चीज़ें मैंने ख़रीद तो लिया था लेकिन बिल्कुल भी बेकार था, बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ। सो इन दिस 6 months देर आर अ सर्टन थिंग्स जो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, जैसा ख़रीदा था वैसे का वैसा ही पड़ा ही हुआ है। तो उनमें से एक चीज़ तो थैंकफुली आप लोगों ने ही बोला था, ओ यहाँ से हटा दिया है, द ऑल द थिंग्स दैट आई नेवर यूज्ड। एंड जब मैं दोबारा मेरा नर्सरी रीस्टॉक करूँगी, आई डोंट नो उसको रीस्टॉक बोलते हैं कि नहीं, बट वो सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगी एंड मैं लिस्ट दे दूँगी, तो आपको लोगों के लिए भी मदद हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वो यूज़ नहीं करते हैं, और दीज आर यू नो फ्रिल्स। सो उस वीडियो को मैं जल्दी बनाऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से लिस्ट बना के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दिबीना डीकोड्स को, क्योंकि आई लव यू गाइज़।